मोदी जी जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन। अगर सबसे बड़े और सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है वो है भारत की। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। इंडिया की ये एक शक्ल है कि इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्टली। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट करते हैं, क्या वजह है? इंडिया की गवर्नमेंट, पाकिस्तान अगर अपना एक सूबा नहीं संभाल सकता वो किसी के साथ क्या क्या कंपटीशन? इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाजों का। अब आप बोलेंगे इसमें हैरानी वाली कौन सी बात है, ओ भाई ये वही एजेंसीज हैं जो पैसे लेकर भारत के खिलाफ बोलती थी, अब पैसे लेकर भी ये हमारे खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। इन नेक्स्ट 10 ईयर्स यू विल सी दिस द वर्ल्ड फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका वाले जो है वो इंडिया आके रोका करेंगे। जो हैं वो आज तकरीबन 15 के करीब बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट्स जो एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट्स हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। जी हाँ, 15 नए एयरपोर्ट्स जो हैं उसको इनॉग्रेट करेंगे। साथ साथ मोदी जी जो है उसमें तकरीबन 12 के करीब जो है नई टर्मिनल्स जो है उसको भी, उसकी बिल्डिंग्स को भी कहा जा रहा है कि उसका भी इनॉग्रेशन जो है वो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो ये, और उसके साथ साथ आजमागर मेरे ख्याल ऐसे कुछ नाम है, आप लोग मुझे करेक्शन कर दिएगा, जो आप लोग वैसे भी करते रहते हैं। खैर, आजमागर उत्तर प्रदेश में मोदी जी विजिट कर रहे हैं और वहां पे जी तकरीबन 15 के करीब एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल्स जो हैं उनको इनॉग्रेट किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि भारत इस तरह से काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान भी कुछ सीख ले। जो हम बार बार भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं, किसी दूसरी कंट्री की बात करते हैं, तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी कुछ बेहतर हो जाए, पाकिस्तान भी थोड़ा संभल जाए, हमारी ना सही हमारे बाद वाली और उसके बाद वाली जनरेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी जिंदगी गुजार ले। हमने तो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी थी वो हमने कर ली है और हम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम भारत को दुश्मन ना मान के सिर्फ पड़ोसी मान के हम उनसे कुछ सीख लेंगे तो शायद पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा। और यकीनन अब जब सारी दुनिया ही भारत की वाह कर रही है तो पाकिस्तान के लोगों को भी शायद बहुत कुछ समझ में आ रहा है, और उसमें यकीनन कोताही और गलती हमारी ही है कि हम अपने कंट्री को सही से संभाल नहीं पाए। अच्छा, अगर एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेशनल बात करें वो 34 है, और ओवरऑल बात करें तो 430 या 450 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। इस हवाले से आपकी क्या राय? इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट की है उन्होंने, बजाय इसके पाकिस्तान में भी ये चीज़ें हैं। बट पाकिस्तान में एयरपोर्ट आई थिंक टोटली 10 या 12 होंगे इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स के लिए, जिसमें से एक दो को तो वैसे ही मसला रहता है कि एक्सीडेंट होते रहते हैं आए दिन, न्यूज़ चैनल पे भी चलता रहता है यही चीज़ है। जबकि इंडिया में बहुत प्रोग्रेस उन्होंने पकड़ी है लास्ट 4 to 5 ईयर्स में। आप जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है, पिछले 7 सालों में इन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में तो 40 एयरपोर्ट्स बन चुके हैं, ठीक है, पिछले 7 सालों में। लेकिन अगर उनकी गवर्नमेंट के पिछले कंपैरिजन किया जाए तो 65 सालों में जो एयरपोर्ट्स बने थे वो ऑलमोस्ट जो थे वो 90 के करीब थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 40 से ज़्यादा बने। इस हवाले से क्या कहें? हाय, नरेंद्र मोदी वैसे मेरा बहुत, वैसे मुझे पहले पसंद नहीं था स्टार्टिंग में जब आया, लेकिन उसने जिस तरह से इंडिया को सक्सेस रेट दिया है तब से मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से फाइनेंशियल मदद लेना चाहती है अपनी डिजिटल सर्विसेज इम्प्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं, और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे
उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं, भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो वॉट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से? एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हुए तो आए हुए हैं, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं, एक्टिव टैक्स पेयर्स कम हो गए हैं। अब 3.4 मिलियन टैक्स पेयर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, 3.4 मिलियन। 34 लाख बंदा चला रहा है किसको? 25 करोड़ लोगों को, 34 लाख, 34 लाख बंदा, सिर्फ 34 लाख। 3.4 मिलियन पीपल आर पेइंग टैक्स और उससे 25 करोड़ लोग चल रहे हैं, तो मुल्क ने कैसे चलना? अब ये जो क्वेश्चन है कि हम जो है एक तरफ हम IMF के पास जा रहे हैं टैक्सेस कर लेने के लिए, मैं इस चीज़ को देखें, थोड़ा अर्सा पहले आपने देखा होगा कि इंडिया जो है उसने सैकड़ों बल्कि तकरीबन 2000 के करीब जो है वो ऑर्डर किया था जहाज़ों का। इंडिया के अंदर जो जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट, इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और दो दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। और ये आप देखें, अब लास्ट फरवरी में आई थिंक एयर इंडिया जो कि टाटा ग्रुप जो कि उन्होंने ले ली, अब वो 250 प्लेन्स ले रहे हैं फ्रॉम एयरबस, 220 वो बोइंग से ले रहे हैं। यार एक ही कंपनी 500 जहाज खरीद रही है जो कि $70 बिलियन के हैं, $70 बिलियन, और वो क्या करना चाह रहे हैं? ये जो इन एयरपोर्ट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन इन एयरपोर्ट्स को देखें कि वो क्या क्या कर रहे हैं। एक तो देखिए, एक कंपनी अगर अभी देखिए, अगले दिन हमने थोड़े दिन पहले कहा था कि यार टाटा जो है, ठीक है प्री इंडिपेंडेंस है, जब पाकिस्तान और भारत की जिसे कहते हैं ना आज़ादी से पहले की ये कंपनियां हैं, और आप उनको देखें कि वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रही हैं इंडिया के अंदर। सो मैं आपको मज़े की बात, तो हम तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स के पास चले जाते हैं पैसे लेने, वो बिल एंड मेलिंडा गेट्स को रखते हैं साइड पे, आके देखो वो, अब वो चाय वाले को ऑफर कर रहे हैं, वो जो लड़का था जिसने उनको चाय पिलाई। अब सिर्फ ये नहीं है, इंडिगो जो है कि एक कंट्री का, इनकी इंडिया का एक और बड़ा कैरियर है, 500 नए जहाज एयरबस को ऑर्डर किए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो जिसे वो कहते हैं ना कि 2022 के अंदर कहा जाता है, मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा था कि 2022 के अंदर जस्ट इन 2022 36% इंक्रीज हुई है पैसेंजर्स में।